गले का सबसे सही रियाज कौन सा है, आवाज़ का सबसे सटीक रियाज कौन सा है, आवाज़ अच्छी करने के लिए, आवाज़ सुधारने के लिए कौन सा रियाज करना पड़ेगा, ये कुछ कुछ सवाल हैं। सुर लगाने का तरीक़ा सबसे सही कौन सा है, ये कुछ कुछ सवाल हैं आप सभी लोगों के जो अक्सर आते हैं। और ये उसी तरह से हैं जैसे बचपन में गणित में हम सवाल हल किया करते थे, जिनके जवाब एक ही हुआ करते थे, टॉपिक एक ही हुआ करता था, बस सवाल की लैंग्वेज घुमा फिरा के हमारे एग्जामिनर जो हैं हमसे पूछा करते थे। तो उसी तरह से लैंग्वेज घुमा फिरा के आप सभी लोग हमसे ये सवाल किया करते हैं, लेकिन इसका जवाब एक ही होता है, मॉर्निंग वोकल रियाज। पंडित अवध किशोर पांडे मेरे पिता गुरुजी द्वारा बनाई गई कुछ तकनीकें हैं जिनका रियाज अगर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में होता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान प्रातःकालीन कंठ साधना, यानी सवेरे उठ के आपको रियाज करना पड़ेगा। अब क्या क्या रियाज करना है वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पर ये पूरा वीडियो देखिए, आपको कुछ और टिप्स भी मैं दे देता हूँ, कुछ दोहराई हुई होंगी कुछ नई होंगी, जो बातें गले के रियाज के लिए आपको ख्याल रखनी है। बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाऊं, बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाऊं, खुद से मिलने को मैं कैसे खुदी लाऊं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सारे सवाल हैं ये बेसिकली आपकी बीमारियां हैं। अच्छा, बीमारी को बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। बीमारी यानी आपका एक मरज, यानी एक ऐसी कमी जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उस सेंस में मैं आपको कह रहा हूँ। भाई मुझे भी कोई सवाल है, कोई मन में अगर जिज्ञासा है तो वो एक बीमारी है, एक कि यार ये कमी है इसको पूरा करना है, तो उसका इलाज हम हमारे चारागर यानी हमारे गुरुदेव हमारे गुरुओं से लेते हैं। हम जाके उनसे पूछते हैं कि गुरु जी एक समस्या है इसका इलाज दीजिए, है ना। तो हर बीमारी का जो हल गुरु जी जिस अंदाज में बताते हैं या जो दवा वो देते हैं या जो इलाज बताएंगे कि इस चीज़ को करो तो ये तुम्हारी बीमारी जो है हल हो जाएगी, ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, अगर हमने उस सारी बातों को उन सारी बातों को अक्षरशः वर्ड टू वर्ड अगर नहीं माना तो हमारा इलाज नहीं होता है। उसी तरह से जैसे डॉक्टर के पास गए, भाई डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी ये जो बीमारी है सिम्टम्स देख के मुझे लग रहा है ये इतने इतने दिन का आपको कोर्स लेना पड़ेगा दवाइयों का, तो यह आपको कोर्स दे दिया गया। सबसे पहले तो आप उसमें ही कोताही बरत देते हैं, आप बोलते हैं यार इतनी महंगी वाली दवाइयाँ क्या लेनी, ये छोड़ो ये वाली ले लेते हैं, ये भी तो सेम ही है। कि अगर उन्होंने कोई एक दवाई बताई तो आप केमिस्ट के पास जाके बोलेंगे भाई साहब ये डॉक्टर ने बोला है ये दवाई के लिए, केमिस्ट भी वहाँ पे आपको थोड़ा सा बताएगा कि भाई साहब देख लो ये तो इतने में पड़ेगी, इसका डुप्लीकेट इतने में भी आता है या फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी या इसी के जैसा दूसरे ब्रांड में भी है। लेकिन अगर आप एक अच्छे पेशेंट हैं और पेशेंस रखने वाले यानी पेशेंट स्टूडेंट भी हैं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आप एक पेशेंट भी हैं और एक धैर्यवान विद्यार्थी भी हैं, तो आप एक गुरु की बात को कभी भी बदलेंगे नहीं, उनके दिए हुए सबक या उनकी दी हुई आपकी इलाज जो दिया है उन्होंने उसको बदलेंगे नहीं, एज़ इट इज़ लेने की कोशिश करेंगे, यानी जो उन्होंने बोला है उसी समय पर उसी चीज़ को उतना ही उतनी बार ही उतने दिनों तक ही आप करेंगे, तब जाके इलाज आपका पूरा होता है। वरना तो वही वाली बात है, आपने दवाई अगर बदल ली तो उसका इलाज होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना डॉक्टर ने लिख के दिया था वो कोर्स लेने को। कई बार हमारा मन करता है यार इतने दिनों तक क्या लेना, दो दिन में ठीक तो हो गए हैं, पाँच दिन का कोर्स क्यों पूरा करना। उसी तरह से हमें अलंकार बजा रहे हैं या कोई राग दी है, कोई ख्याल दिया है, कोई गीत दिया है, कोई बंदिश दी है, तो हमें लग गया कि यार ये तो हो गया ना तैयार, गले में आ गया, समझ में भी आ गया, अब इसको उतने दिनों तक अभ्यास करने की क्या ज़रूरत है। गुरुजी ने तो बोल दिया है कि इसे एक अलंकार को 100 बार आपको इस पलटे को दोहराना है, इस बंदिश को बार बार गाएंगे तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ये गीत की एक लाइन है इसको 1000 बार दोहराना है, उन्होंने तो कह दिया। लेकिन आपको वो उससे 20% में ही आ गया, मान लीजिए आप थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, आपको जल्दी आ गया, तो आप क्या करते हैं उसको पूरा करे बगैर ही आप बोलते हैं कि चलो ये तो हो गया अगले पे बढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं हम भूल कर बैठते हैं। यानी जैसा बताया गया है उसको हम अपने हिसाब से अगर मोल्ड कर देंगे तो उसकी तासीर ख़त्म हो जाती है। माना कि 2 दिन में आपका इलाज हो गया लेकिन तब भी डॉक्टर का 5 दिन का कोर्स हमें पूरा करना होता है, क्योंकि ऐसा हमें आभास होता है कि 2 दिन में हो गया है, हुआ नहीं होता है, वो असर जैसे ही होना शुरू होता है हमें लगता है कि असर हो गया, वो शुरुआत वो सिर्फ शुरू हुआ था, असर पूरा हुआ नहीं था, घाव आपका जख्म पूरा भरा नहीं था, यानी जो इलाज होना था रियाज से वो पूरा हुआ नहीं था, अभी तो गले में बस थोड़ी थोड़ी बात आई थी कि आपको लगा कि 4 दिन के रियाज में आए हैं तानसेन, तो आप वो रियाज छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि हो तो गया अब चलो आगे बढ़ो। जैसा कि कई लोग सवाल करते हैं कि रियाज कब तक करना है गुरु जी, अगर परमानेंट नहीं करेंगे रोजाना करना है क्या, ताउम्र करना है क्या,
तो हाँ, इसे ताउम्र करना होता है, ये वोकल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करना छोड़ा, शरीर का पतन होना शुरू। तो आइए, चलिए, ये तो कुछ कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मैं ज़्यादातर भी करता हूँ और बताता भी हूँ। अब ये बता देता हूँ आपके उन सवालों के हल दोबारा से कि क्या रियाज़ करना है। सबसे पहले तो ये जो भूमिका मैंने बांधी, इससे आप ये समझ गए होंगे कि रियाज़ निरंतर करना है। बताए गए समय, बताई गई चीज़ों में अगर तब्दीली करोगे तो रियाज़ का असर नहीं होगा, इन सारी बीमारियों का हल नहीं होगा। सबसे पहली बात पे आते हैं। वैसे तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक प्लेलिस्ट में मैंने समझाया हुआ है, आज मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, लेकिन डिटेल में जानना है तो वो प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। सिर्फ एक वीडियो से आपका इलाज नहीं होगा, है ना। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन आ गए और हो गया काम, कुछ दिनों तक आना पड़ता है डॉक्टर के पास। आपकी बीमारियों के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको नहीं मालूम होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो रियाज़ का समय, उसको सुधारेंगे। उमूमन हम रियाज़ गलत समय पर करते हैं और फिर हमें लगता है कि यार ये इलाज क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला था दवाई आपको खाली पेट लेनी है, आप खाना खा के ले रहे हैं। डॉक्टर ने बोला था ये खाने के बाद लेना है और हैवी कुछ खाना है, आपने कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ा सा चुरमुरे कुछ खा लिए, कुरकुरे बिस्किट खा लिए और आपको होगा कि हाँ चलो भर गया ना पेट इतना, हाँ ठीक है ले लेते हैं दवाई। यानी जिस समय बोला गया और जिस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बोला, आपने उसका ख्याल नहीं रखा। तो अब जब मैं बता रहा हूँ या मेरे गुरुओं ने जो बताया है कि रियाज़ ब्रह्म मुहूर्त से पहले होगा, यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय, बेसिकली सूर्योदय से पहले होगा, यानी जब सूरज उगा नहीं है, अंधेरा है, सब लोग सो रहे हैं, निशाचर सारे सो रहे हैं और देवकाल है वो, जब ब्रह्म वेला है उस समय आपको उठकर देव वेला में आपको अपना रियाज करना है। क्योंकि शब्द क्या बोला, प्रातःकालीन कंठ साधना, ऐसी वैसी चीज नहीं है, अध्यात्म और पूरे मेडिटेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले उसका समय सुधारेंगे, जो क्या होगा 4 से 7 के बीच में। उमूमन 7 तक आपका सूर्योदय हो चुका होता है, तो उससे पहले पहले आपको ये निपटा लेना है। अब ये आपकी सिचुएशन अनुसार आपके अलग अलग सवाल आ जाएंगे, भाई कि हमारे यहाँ सूरज लेट उगता है, देर उगता है, हमारे यहाँ तो दिन ही नहीं होता है, हमारे यहाँ तो रात बनी रहती है, हमारे यहाँ धूप नहीं निकलती, ये सारी बातें आती रहेंगी। लेकिन समय जो मैंने बताया है ब्रह्म मुहूर्त, वही रहेगा, उसी अनुसार आपको बदलना है। अब कोई भी सिचुएशन होती हो, सर हम तो सवेरे उठ नहीं सकते, हमारे आसपास शोर होता है तो दिक्कत हो जाती है लोगों को, और पड़ोसी की दिक्कत है, घर वालों की दिक्कत है। अब भाई आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, बट रियाज़ डजंट। ये सारी बातें मैं समझ सकता हूँ, रियाज नहीं समझेगा। मैं तो कह दूंगा ठीक है अपना लो अल्टरनेट, शाम में कर लो, दोपहर में कर लो, लेकिन रियाज नहीं मानेगा। आप दोपहर में करिए, शाम में करिए, असर नहीं होगा। फिर असर नहीं होगा तो आपकी इलाज नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ तो आप आ जाएंगे शिकायत लेकर कि गुरु जी आपने तो बताया था ये ओम करने से असर होता है, हमारे तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, गलत समय पर कर रहे हो, यानी वो दवाई जैसे बताई थी वैसे नहीं खाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सही समय पर करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा। उसके अलावा जो दूसरी बात है वो है आपका सही पिच होना चाहिए, करेक्ट पिच से आप रियाज कीजिए। अगर आपकी आवाज़ पतली है, आप छोटे बच्चे हैं या फीमेल हैं, तो उमूमन आप 4थी या 5वीं काली से, यानी ए शार्प या जी शार्प, जी शार्प यानी 4थी काली, ए शार्प यानी 5वीं काली, साउंड कैसा आता है उसका वो सुन लीजिए। पहली काली आपकी, ये पहला काला सुर है, आप उमूमन यहाँ से गाते हैं जो मेल वॉइसेस हैं। अब जो फीमेल होंगी वो 5वीं से गाएंगी, वो सुर ये है, वो यहाँ नहीं है, वो ये है, या 4थी है, वो ये सुर है। अब ठीक है, आप 4 से 4.5 से 5 से कहीं से भी गा सकते हैं, लेकिन और मेल जी वॉइसेस जो भी होती हैं वो भी ये बोलती हैं कि भाई हम पहली से ना करके हम डी से करते हैं या सी से करते हैं या डी शार्प से करते हैं। तो ऊंचे पिच से क्या अपना ज़्यादा ऊंचे पिच से रियाज करने से क्या होता है, वॉइस रेंज बढ़ जाती है या क्या होता है, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं दूंगा जल्द, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या मेल वॉइसेस सी से, डी से या सी शार्प से भी कर सकती हैं। तो हाँ ठीक है, आप कर सकते हैं रियाज, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको जो ख्याल रखना है वो ये है कि कम अज़ कम आपका 2 सप्तक पूरा होना चाहिए जिस भी पिच से आप करें। अगर आपने पहली काली से किया है तो कम से कम सा नी ध प नीचे और सारे ग म प ध नी सारे ग म प ऊपर प तक, नीचे प से ऊपर प तक इतनी अगर वॉइस रेंज बन रही है जिस पिच से, वो पिच आपका रियाज के लिए रखेंगे। अब एक सवाल और आ जाता है कि हमारा गाने का पिच क्या है, सिंगर का पिच क्या है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया है जिसमें समझाया है कि सिंगर का पिच नहीं होता, वॉइस रेंज होती है, क्योंकि पिच गाने का होता है, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन अकॉर्डिंग होता है, और उस अकॉर्डिंग और अपनी वॉइस रेंज दोनों को मिलाते हुए आप एक अपना पिच डिसाइड करते हैं, हर गाने का अलग हो सकता है। तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसको अलग से देख लीजिएगा। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपको पहली काली से, या जो छोटे बच्चे या महिलाएं हैं उनको 4थी या 5वीं से रियाज करना है। अब आप सी से या डी से भी कर सकते हैं, और कंडीशन क्या रखी मैंने, नीचे प और ऊपर प जाना चाहिए एटलीस्ट, और उसके बाद हमें उसके अलावा रेंज बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि वो प प हो गया बस, प से नीचे नहीं और ऊपर नहीं, ऐसा नहीं, पूरा जाना चाहिए। तो
पहला आपका ख्याल आया समय का, दूसरा ख्याल आया आपका पिच का, तीसरा है आपके आवाज़ के लगाव का कि आप नेचुरल टोन जो है आपके, यानी अगर पहली काली से गाऊं तो सा, ये मेरी नेचुरल टोन है, जैसे मैं बात कर रहा हूं उसी में गा रहा हूं ना, कि सा, ये जो है थोड़ी कर्कश टोन थी, या फिर बहुत ज्यादा मुंह खोल लेना या बहुत ज्यादा कम मुंह खोलना, जैसे कि सा। अब मैं आपको देखिएगा अलग अलग तरह से मुंह खोल के बताता हूं और आप देखिएगा कहां तक जाता है, कहां से शुरू होता है सो, ये मैंने मिनिमम से मैक्सिमम तक करके आपको बताया। लेकिन हमें जो ख्याल रखना है वो ये है कि कौन से साइज का मुंह खोलना है। मैंने तो इतने सारे साइज का मुंह खोल के बता दिया, लेकिन आपको ये ऐसा नहीं करना है कि आपको मुंह जोर से बड़ा खोलने को बोला गया तो एकदम ही फाड़ लिया, जैसे कि मैंने बोला ऐसे कर लिया, नहीं, मसल्स पे स्ट्रेन आ रहा है, अंदर बोन्स में स्ट्रेन आ रहा है, इतना मुंह खोला है, ये नहीं, मुंह उतना ही खोलना है जितने में सा की ध्वनि भी स्पष्ट हो जाए और आपका जबड़ा भी ना दुखे, यानी कि सा, इतना काफ़ी है। कई लोग और भी एक्सरसाइजेस देते हैं, कुछ हरकतें बताते हैं, अच्छी हैं गलत हैं भाई वो उनकी अपनी है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा कि आप ये चार उंगली लीजिए ऐसे डालिए या ऐसे डालिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वॉलंट्री है मसल, वॉलंट्री यानी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, दिल की धड़कन की तरह नहीं है जो कंट्रोल नहीं होगी, ब्लड के फ्लो की तरह नहीं है, ये उंगलियों की तरह ही, देखिए ये बंद खोल बंद खोल, आँख बंद खोल बंद खोल, ये आप कर सकते हैं ना, कान नहीं हिला सकते हो, है ना भाई, कुछ लोग हिला लेते हैं वो अलग जादू है वो ठीक है, है ना, लेकिन ये जो मुंह है ये वॉलंट्री, आप चाहें जितना खोल सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कुछ उंगली डालना या आलू रखना मटके में मुँह देना, ये हरकतें नहीं करनी अपने को, नॉर्मल मुंह खोलना है, लेकिन कितना सा, इतना, तो नेचुरल टोन जो है वो आपका आएगा सा, ये भी नेचुरल टोन नहीं है सा, ठीक है, इस टोन में समय पिच टोन। अब आइए अ उ ओ ओम, इस मंत्र पर लोग कहते हैं ओम का रियाज करना चाहिए, ओम के रियाज का ही संधि विच्छेद है, ओम का संधि विच्छेद क्या बनता है, अ उ ओ ओम, अ प्लस उ ओ बनता है, और ओम बोलते समय ओ की ध्वनि जो है वो नासिका में जाती है, तो ओम, और फिर एंड जो होता है वो हमिंग पे मकार में होता है, तो हम। इस पर भी पूरा डिटेल मैंने समझाया है कि अ उ ओम का अर्थ क्या है, अभी मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ, वीडियो न लंबा करते हुए, इस पर सीरीज बना रखी है मैंने, यहाँ पे सिर्फ उसकी ग्लिम्स आपको दे रहा हूँ मैं। एक ही सांस में मैंने पांचों अक्षर बोले, मगर आपको शुरुआत में क्या काम करना है, एक सांस में एक ही अक्षर बोलना है, पूरी सांस लगाते हुए अपने पिच से, अब इनको लगाते समय क्या ध्यान रखना है, वही सुर लगाने की तीन स्टेजेस, कि सुर लगा है तो सटीक लगे, ऐसा नहीं कि कि नीचे के धक्के से लगाया ऐसा लगा, नहीं होना चाहिए, सीधा सटीक एकदम सुर लगना चाहिए, और वो हिले हिले नहीं, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं, सा, ये नहीं, कंपन नहीं होना चाहिए, एक जैसा, यानी सटीक लगे टिके, और उसकी जो टेल है वो छूटे भी तो उसी सुर पर छूटे, ऐसा नहीं हो कि वो ऊंचा चला जाए, सा, ये ऐसे नहीं होना कि एकदम वहाँ सांस छोड़ दी, ठीक है, तो सबसे पहले इन पांच अक्षरों का आपको रियाज करना है, उसके बाद आपका मुंह जो है बराबर खुलना चाहिए, फिर आप जिन अलंकारों का रियाज करेंगे उसमें भी सुर सीधा सीधा अगर आपका लगेगा, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा, ये
सवेरे जब करोगे तो भैरव थाट में करना होगा, यानी सा रे ग म प ध नी सा। क्या क्या कोमल लगाया, रे और ध, सा रे ग म प ध नी सा। अब ये आपको थाट और पिच समझने होंगे। अपने पिच अनुसार चौथी से करोगे तो सा रे ग म प ध नी सा, पांचवी से करोगे तो सा रे ग म प ध नी सा। हर अपने पिच में आपको ये भैरव थाट जो है सवेरे सवेरे लगाना है। तो भैरव थाट में अलंकार होंगे आपके कैसे होंगे, अरे पहले पूरी पूरी सांस में जाएगा, फिर इसमें लय बढ़ेगी। तो कैसे, गले के खटके कैसे पैदा होंगे, सा रे ग म प ध नी सा, सा ने द प म ग रे सा। सबसे पहले ये ख्याल रखना है सुर सीधा सीधा लगना चाहिए, ना कि सा रे ग म प ध नी सा द। ये जो मीड़ है या ये जो गमक है, इन सारी चीजों का सेपरेट रियाज करना है, ये मिक्स नहीं करना है। गले को रॉ भी रखना है और अलंकृत भी रखना है, दोनों चीजों का रियाज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके गले में ऐसी वाली ही तान आती हो, ना कि ऐसी वाली अगर मैं कह दूं नॉर्मल, अगर ऐसी तान बोलूं लेने को तो वो भी आ जाए और वजनदार भी आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सा ये जो एक खटका दे रहा हूं मैं, आप ध्यान से अगर सुने, इस पर भी सेपरेट वीडियो दे रखा है कि खटका लगाते समय आकार में लगाएंगे तो ये जो हाथ है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तानपुरे पर करते हैं तो। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो हाथ है इससे मैं हल्का सा झटका दे रहा हूँ जिससे शारीरिक झटका आ रहा है। जब शरीर में अंदर बल आता है ऐसे, तो वो जो गले में जो खटके की बात कर रहा हूँ वो पैदा हो जाता है। वैसे तो ये बिना हाथ के भी आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग लयकारियों में इसका अभ्यास होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं। ओम का रियाज जो मैंने बताया वो सबसे ज़्यादा अहम है, सा लगाने का जो तरीका मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका जो समय है, जो पिच है, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें रियाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर ये मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। अब इसमें कुछ एडवांस अलंकार भी होते हैं, बल के अलंकार हैं, जैसे कि अगर आप करते हैं या मेरे खंड करते हैं सरे ग रे ग स ग स रे ग रे स रे स ग स ग रे रे ग म ग म रे म ग रे रे ग म ग म रे म रे ग म ग रे ग रे म रे म ग ग म भ म भ ग भ ग म भ म ग म ग भ ग भ म भ द भ ध म ध म भ ध भ म भ म ध म ध भ भ ध नि ध नि भ नि भ ध नि ध भ ध भ नि भ नि ध ध नि स नि स ध स ध नि स नि ध नि ध स ध स नि। तो मेरे खंड को भी सेपरेटली मैंने एक अलग वीडियो में समझाया हुआ है, वहाँ आप देख लीजिएगा। या मूर्छना का रियाज करते हैं, जैसे कि सा रे ग म प ध नी सा, सा ने ध प म ग रे सा नी सा रे ग म प ध नी नी ध प म ग रे सा नी सा नी सा रे ग म प ध नी सा सा ने द प म ग रे सा। अब ये थोड़ा सा एडवांस रियाज है, क्या किया, नी सा रे ग म प ध नी तो बोला, लेकिन उसकी जगह मैंने सा रे ग म प ध नी बोला, नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा। अब इसमें अलग अलग विकट थाट बनते हैं, कुछ थाट बनते भी हैं, कई बार नहीं भी बनते हैं, तो ये कुछ एडवांस रियाज भी है, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो दे रखा है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं रियाज में करने को,
मगर ख्याल समय का और निरंतरता का रखना है और धीरे धीरे इसमें कैपेसिटी बढ़ानी है आपकी। ये नहीं कि आप पहले ही दिन 3 घंटा लेकर बैठ जाएंगे, आधे घंटे से शुरुआत करेंगे, फिर 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, धीरे धीरे इसका समय जो है हम बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 4 से 7 तो फिर 4 बजे ही शुरू हो रहे हैं, 7 बजे ही बंद कर रहे हैं पहले ही दिन से, ऐसा नहीं होगा। अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा, ठीक है। तो देखते रहें इसी तरह, हमारे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।